अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि अगर आप अपनी किचन में से एक चीज निकाल दें तो आप अपनी जिंदगी में बहुत ही सेहतमंद रह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो एक चीज कौन सी है जिससे हमारी सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। तो दोस्तों, वो चीज है घर में पड़ी हुई लाल मिर्च। हम अपने घर के किचन में लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत करते हैं। आज के जमाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल हम हर एक सब्जी में करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि ये लाल मिर्च हमारी बॉडी में गैस को बढ़ाती है, गैस यानी एसिडिटी को बढ़ाती है। और जिस इंसान की बॉडी में गैस यानी एसिड बढ़ जाता है, उस इंसान को 40 से ज्यादा तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब ये 40 तरह की बीमारियां अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने घर के किचन में से लाल मिर्च को निकालना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखें दोस्तों, हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ पुराने जमाने में ये लाल मिर्च होती ही नहीं थी। मतलब कि पुराने जमाने में लाल मिर्च खाई नहीं जाती थी। लाल मिर्च हमारे मुल्क में कुछ 100 साल पहले आई है, और जब से ये लाल मिर्च आई है, इसने हमारी बॉडी में इतनी बीमारियां पैदा कर दी हैं कि हम सभी लोग बीमारियों में ही जकड़े हुए हैं। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये लाल मिर्च किस तरह से हमें नुकसान करती है। दरअसल दोस्तों, लाल मिर्च बहुत ही गर्म होती है, और जैसे ही हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी बॉडी में एसिड्स को पैदा करती है, हमारी बॉडी में गैस को बढ़ा देती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस इंसान की बॉडी में गैस बढ़ जाती है, उस इंसान को 40 तरह की बीमारियां हो जाती हैं। 40 तरह की बीमारियों में सबसे जो बड़ी बीमारी है वो है हार्मोनल का इनबैलेंस, यानी कि हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं जब भी आप लाल मिर्च खाते हैं। तो इससे आपको हार्मोनल इनबैलेंस होता है, जैसे कि आपके इंसुलिन के हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, और इंसुलिन के हार्मोन्स इनबैलेंस होने से इंसान को डायबिटीज हो जाती है। लाल मिर्च खाने से थायराइड के हार्मोन्स भी इनबैलेंस होते हैं, जिससे उस इंसान को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। देखें दोस्तों, किस तरह से लाल मिर्च के इस्तेमाल से हमें डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सी बीमारियां हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, 40 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ लाल मिर्च खाने की वजह से होती हैं। लाल मिर्च का इस्तेमाल करने से हमें स्किन की भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि लाल मिर्च के इस्तेमाल से हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो खून में एसिडिटी बढ़ जाने से हमें स्किन की बीमारियां, जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, स्किन पर एलर्जी और बहुत सी स्किन डिजीज हो जाती हैं। इसके अलावा एसिड बढ़ने से हमें किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, यानी कि अगर आपने लाल मिर्च खाई है तो आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। लाल मिर्च खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जॉन्डिस हो सकता है। तो ये जो सारी बीमारियां हैं, ये हार्मोनल इनबैलेंस की बीमारियां हैं, और हार्मोनल इनबैलेंस होता है एसिडिटी बढ़ने की वजह से, और एसिडिटी बढ़ती है लाल मिर्च खाने की वजह से। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने घर के किचन में से सिर्फ लाल मिर्च को निकाल दो। लाल मिर्च अभी निकाल कर डस्टबिन में फेंक दो। ये लाल मिर्च हमारी इतनी बीमारियों की वजह है, और जब आप लाल मिर्च निकाल देंगे तो आप देखेंगे आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपकी सारी बीमारियां खत्म होने लगेंगी। अब आप सोचेंगे, हमें तीखा खाना अच्छा लगता है तो हम लाल मिर्च न खाएं तो क्या खाएं? देखें दोस्तों, इसके लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है कि आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें, क्योंकि पुराने जमाने में काली मिर्च का ही इस्तेमाल किया जाता था। पुराने जमाने में काली मिर्च को एक दवाई समझा जाता था, क्योंकि काली मिर्च से हमारी बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं। काली मिर्च खाने से हमारा पेट सही रहता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, वहीं लाल मिर्च हमारी बॉडी में नुकसान करती है। काली मिर्च के साथ साथ आप एक और तरह की मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है हरी मिर्च का इस्तेमाल। हरी मिर्च आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, और ये आपको सब्जी के साथ फ्री में भी मिल जाती है। अगर आप हर रोज हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। आप अपने घर के किचन में से लाल मिर्च को फेंक दीजिए और हरी मिर्च को खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हरी मिर्च में बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, प्रोटीन, इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। यानी कि हरी मिर्च हमारे लिए एक सप्लीमेंट की तरह काम करती है। यह हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स को पूरा करती है। अगर आप हर रोज सिर्फ एक हरी मिर्च भी खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी बहुत सेहतमंद रहेगी। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनसे आपको राहत मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अगर हम हर रोज एक हरी मिर्च भी खाते हैं तो इससे हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। एक बहुत बड़ी रिसर्च
रिसर्च के बाद ये पता चला है कि अगर हम हर रोज हरी मिर्च खाते हैं तो इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो जिन लोगों की आंखों पर चश्मा लग चुका है, ऐसे लोग जो अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, आप लगातार 2 से 3 महीने हरी मिर्च का इस्तेमाल करके देखें। बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद हरी मिर्च भी गर्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हरी मिर्च को आप गर्मियों में भी खा सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च हमें गर्म लू से बचाती है, यानी कि ये हमें गर्मी से बचाती है। तो हरी मिर्च का इस्तेमाल पूरा साल आप कभी भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरी मिर्च लगातार 3 महीने खाने से हमारा चश्मा उतर सकता है, आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। इसके अलावा हरी मिर्च खाने से लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को आराम मिलता है। अगर आप लो बीपी होने के शिकार हैं तो आपको हरी मिर्च जरूर खानी चाहिए, क्योंकि एक तो हरी मिर्च में आयरन होता है और ये आयरन हमारी बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है, जिससे कि लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दूर होती है। और दूसरा, हरी मिर्च के अंदर पोटाशियम भरपूर मिकदार में है, जो कि लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। यानी कि जो लोग भी लो ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, वो लोग अपनी डाइट में हरी मिर्च को जरूर शामिल करें। आप देखेंगे आपकी लो बीपी की प्रॉब्लम 2 से 3 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, हरी मिर्च एंटीबैक्टीरियल अज्जा से भरपूर होती है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब है ये हमें एंटीबैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाती है। आपने देखा होगा कभी कभार हमारी बॉडी पर जब एंटीबैक्टीरियल का अटैक होता है तो इससे हम बीमार भी पड़ जाते हैं और हमें बहुत तरह की स्किन डिजीज भी हो जाती है। लेकिन जब भी आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप बैक्टीरिया से बच सकते हैं। तो आपको एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स यानी कि दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है अगर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। कुछ रिसर्च से ये पता चला है कि हरी मिर्च खाने से हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। बीमारियों से लड़ने की ताकत मतलब हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अगर आप हर रोज हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई बीमारी लगती नहीं है। इसके अलावा हरी मिर्च एंटीऑक्सीडेंट अज्जा से भरपूर होती है। एंटीऑक्सीडेंट अज्जा से भरपूर होने की वजह से ये बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करती है और कैंसर जैसी बीमारी से हमें बचा कर रखती है। जो लोग भी हर रोज स्मोकिंग करते हैं उनको तो हरी मिर्च जरूर खानी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से लंग्स कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और मेल्स में जनरली प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बहुत रहता है। तो मेल्स को भी हरी मिर्च का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप हर रोज एक हरी मिर्च भी खाते हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी कैंसर जैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हरी मिर्च हमारे मूड को भी बूस्ट करती है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में एंडोफ्रिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे हमारा मूड खुशनुमा रहता है। यानी कि अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस रहता है, आपको ज्यादा टेंशन रहती है, तो आपको हरी मिर्च का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखेंगे इससे आपका मूड अच्छा रहेगा और आप दिन में खुश रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हरी मिर्च वजन को भी कम करती है। अगर आपका वजन बढ़ चुका है, अगर आप बैठे बिठाए अपने वजन को कम करना चाहते हैं बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज, तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, क्योंकि हरी मिर्च थायराइड के हार्मोन्स को बैलेंस करती है, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बूस्ट होता है और हमारा वजन कम होने लगता है। अगर आप लगातार 2 से 3 महीने हर रोज एक हरी मिर्च खाते हैं तो आप अपना 15 से 20 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। यानी कि जो लोग भी मोटे हैं उनको हरी मिर्च जरूर खानी चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, हरी मिर्च आयरन से भरपूर होती है, जिस वजह से ये हमारी बॉडी में नया खून बनाती है। जो भी लोग हेमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी से परेशान हैं, एनीमिया से परेशान हैं, उनको हरी मिर्च जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है जो कि हमारी बॉडी में नया खून बनाता है। और ये खून हमारी बॉडी में नया बनना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी खून से ही चलती है। आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोगों के जिस्म में खून की कमी होती है। कुछ रिसर्च के बाद ये पता चला है कि हमारे मुल्क के 50% लेडीज में खून की कमी है। यानी कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में भी खून की कमी हो। दरअसल दोस्तों, हमारी बॉडी में खून की कमी होने से हमें बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि हमारा दिमाग कमजोर होना, आंखों की रोशनी कमजोर होना, किडनी में स्टोन्स होना, जिस्म में सुस्ती और थकान रहना, कमजोरी रहना, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं
जो सिर्फ हमारे जिस्म में खून की कमी से हो जाती हैं, तो बॉडी में कभी भी खून की कमी न होने दें, क्योंकि खून का काम है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। और अगर बॉडी में खून ही कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में कम हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। आपने अक्सर ही देखा होगा जिन लोगों की बॉडी में थकान और सुस्ती रहती है उनकी बॉडी में खून की कमी होती है। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी खून की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हरी मिर्च विटामिन ई से भरपूर होती है और जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए हरी मिर्च बहुत ही अच्छी है। विटामिन ई से भरपूर होने की वजह से हरी मिर्च हमारी बॉडी में सोराइसिस, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम से हमें बचा कर रखती है। अगर आपकी स्किन पर किसी तरह के दाग धब्बे, खारिश हो तो आप हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर भी उस जगह पर लगा सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपको दाग धब्बों और खारिश से राहत मिलेगी। हरी मिर्च के इस्तेमाल से हमारे बाल झड़ना रुक जाते हैं, क्योंकि हरी मिर्च के इस्तेमाल से बॉडी में नया खून बनता है और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलता है और बाल झड़ने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लगातार एक महीना हरी मिर्च खाते रहने से बालों का झड़ना एकदम से बंद हो जाता है। दोस्तों, हरी मिर्च हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छी है। दिल से जुड़ी हुई सारी बीमारियां जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट में ब्लॉकेज होना, आर्टरीज में ब्लॉकेज होना, इस तरह की सारी प्रॉब्लम से इंसान को आराम मिलता है, क्योंकि हरी मिर्च के इस्तेमाल से हमारी बॉडी को पोटेशियम और आयरन मिलता है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। साथ ही साथ हरी मिर्च हमारी बॉडी में खून का दौरा सही करने के साथ साथ खून को साफ भी करती है, जिससे आप देखेंगे आपकी बॉडी में आपको कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में हरी मिर्च को जरूर शामिल करें। तो देखा दोस्तों, अगर हम लाल मिर्च को अपने घर से निकालते हैं और हरी मिर्च का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो हम कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सेहतमंद रहना इतना आसान है। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो जिंदगी आपकी है, चॉइस भी आपकी है कि आपको लाल मिर्च खानी है या हरी मिर्च। हरी मिर्च के साथ साथ अगर आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि काली मिर्च हमें पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों में आराम देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।